हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन। एक सरप्राइज है, सरप्राइज बोले तो बहुत लंबा चौड़ा आदमी आ रहा है वहाँ। हाँ, लंबा चौड़ा आदमी आ रहा है, मतलब आउट ऑफ कंट्री से उसको रिसीव करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए, आप यहाँ से लगभग अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी यहाँ पे 1 बज रहा है और अभी हम लोग निकल रहे हैं तो लगभग वहाँ पहुँच रहे हमें 3-4 बज जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कुहासा है, अभी ठंडी का मौसम है। तो चलिए आपको दिखाते हैं रास्ते का नज़ारा, चलिए मिलते हैं फिर। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. तो गाइस देख सकते हैं आप, अभी हम लोग NH 57 पे हैं, जो कि अभी यहाँ से लगभग मुजफ्फरपुर जंक्शन लगभग 70 किलो समथिंग अभी बचा हुआ है। और अभी हम लोग रुके हैं, हमारे भाई को सुसु आ गई थी इसलिए हम लोग रुके हुए हैं। और ये हमारी सवारी है, हमारी सवारी अभी चल रही है ऑन द वे। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, अंदर चलते हैं हम लोग। कुछ इस तरह का दिखता है मुजफ्फरपुर का जंक्शन। और अभी COVID-19 को लेकर के थोड़ी यहाँ पे जो भीड़ भाड़ रहती थी अभी नहीं रहती। आपको लिए चलते हैं हम अंदर। और यहाँ पे अगर आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पे टेम्पो स्टैंड और उसके बाद स्कॉर्पियो, जो पर्सनल कार जो रहता है वो सबको, उस सबका स्टैंड है पार्किंग करने के लिए, तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ से एंट्री होती है जंक्शन के अंदर। और ये देख सकते हैं यहाँ पे टिकट काउंटर है, जो कि अभी फ़िलहाल बस एक ही चालू है टिकट काउंटर, बाकी सारे बंद है। और यहाँ पे आपको ट्रेन का स्टेटस दिख जाएगा यहाँ पे सामने, कौन सी गाड़ी अभी आने वाली है, कितने बजे है, सारे टाइमिंग टाइम टेबल सब समझ में आ जाएगा। तो अंदर आने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है व्यू अंदर का, जो जंक्शन के अंदर जब आते हैं। तो यहाँ पे वेटिंग हॉल है ये। काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है और काफ़ी स्पेस भी है अंदर। यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए एंट्री होती है। तो ये देख सकते हैं आप, एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, सफाई चल रही है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आपको ये ब्रिज दिख जाएगा, जिससे आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे 3 पे 4 पे जा सकते हैं आराम से इजीली।
और देख सकते हैं यहाँ पे जो आप जो भी सामान लेकर आते हैं बैग वैग उसका स्कैन होता है यहाँ पे, स्कैनिंग मशीन लगा हुआ है। मैन चीज छोड़ रहे हो आप, स्पीड बढ़ेगी तो मैन चीज वही है। तो गाइस देख सकते हैं यही सरप्राइज है, सरप्राइज पैक क्या लोगे ठीक है, यही सरप्राइज पैक है मेरा। हम लोग जो सरप्राइज देने आए थे ना, इसी से मिलने के लिए आए थे, इसको रिसीव करने के लिए।